सभी को जय मसीह की। मेरे प्रेम प्रभु के वचन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। वचन में पढ़ता हूँ भजन संहिता 30 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक पढ़ता हूँ। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा, तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। परमेश्वर नाम की धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पे लिखा है धन्यवाद के लिए प्रार्थना। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे लिखा है दाऊद का भजन है, दाऊद का ये गाया हुआ गीत है। एक यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने खींच कर निकाला है। परमेश्वर ने जो हमको आपको पाप के दल से खींच के निकाला है, यहाँ पे लिखा है हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। परमेश्वर हमको आपको दलदल से नरक से आपको खींच कर निकाला है। हमको जो है शत्रुओं को जो है यहाँ पे लिखा है शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। शत्रुओं को, शैतान को हमारे ऊपर आनंद करने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको हमको उस नाशवान वस्तुओं से खींच कर निकाला है, पाप के दलदल से निकाला है, पाप के कीचड़ से हमको निकाल कर परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। परमेश्वर का वचन है, जब हम परमेश्वर से दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमको चंगा करता है, हमको छुटकारा देता है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। परमेश्वर ने अधोलोक में से, नरक में से परमेश्वर ने हमारे प्राण को निकाल कर जो है चौड़े स्थान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है हे यहोवा तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने नहीं दिया। परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने आपको हमको उस पाप के दलदल से निकाल के रखा है और नरक से निकाला है। और यहाँ पे हमको क्या लिखा है कि हे यहोवा तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने नहीं दिया। कब्र में हमको पड़ने नहीं दिया, हमको नाशवान वस्तुओं को जो संसार में हम क्या हम संसार में मरे हुए हैं, संसार की अभिलाषाओं के लिए हम मरे हुए हैं। परमेश्वर ने हमको उन सब चीज़ों से, नाश होने वाली चीज़ों से, अंधकार की शक्ति से, पर शैतान की योजना से परमेश्वर ने आपको हमको निकाल के रखे, हमको कब्र में नहीं पड़ने दिया। हमको निकाल करके परमेश्वर ने आप लिखा है कि कब्र में पड़ने से बचाया, हमको बचाया है परमेश्वर ने। और लिखा है हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जो उतने भी परमेश्वर के भक्त हैं उसका धन्यवाद करने पाए। यहाँ पे लिखा है हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। जितने भी परमेश्वर के भक्त हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने हैं, यीशु मसीह का ही भजन गाओ, यीशु मसीह का ही स्तुति करो, यीशु मसीह को ही धन्यवाद दो। जितने भी लोग परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, इस वीडियो को अगर जितने भाई बहन देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हे यहोवा के भक्तों, हे परमेश्वर के भक्तों, हे यीशु मसीह के भक्तों, यहाँ पे लिखा है हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, उसका ही भजन गाओ। परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि उसका ही भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जिस पवित्र नाम से स्मरण करते हैं उसका ही धन्यवाद करो। और लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर होती है। परमेश्वर का क्रोध
क्षण भर का है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो क्षण भर के लिए होता है। बीमारी आती है क्षण भर के लिए आता है, हमको परेशानी आता है थोड़े समय के लिए आता है, निराश आता है थोड़े समय के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, यहाँ पे लिखा क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है। थोड़े समय के लिए परमेश्वर जो हमको ताड़ना देंगे, परमेश्वर हमको सिखाएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए। लेकिन और आगे क्या लिखा, उसकी प्रसन्नता जीवन भर है, परमेश्वर का आनंद जीवन भर है। मेरे प्रियो मरने के बाद में भी एक जीवन है स्वर्ग में, उसके बाद में भी परमेश्वर हमको इस संसार में जीवन बिताते समय हम जब तक दुख में है परेशानी है ये क्षण भर का चीज़ है, परमेश्वर का कलाम बताता है। लेकिन इस संसार में मृत्यु के बाद में भी एक जीवन है स्वर्ग में, जीवन भर हमको प्रसन्नता हमको आनंद खुशी खुशी शांति जीवन भर हमको देते रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है संसार के अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर मुसीबत में हर परेशानी में हर बीमारी में परमेश्वर आपके हमारे साथ रहने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, न त्यागने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा सभी को आशीष देने पाए, ये वचन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जितने यीशु मसीह को मानते हैं उसकी आराधना महिमा करते हैं, ये वचन उनके पास पहुंचने पाए। और इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है, परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के जीवन में आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर हर एक से बात करना चाहते हैं, हर एक को छुटकारा देना चाहते हैं, हर एक को पाप के दलदल से निकालना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यही बताता है। अभी इस वचन के द्वारा से परमेश्वर सभी को आशीष दे। मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को परमेश्वर आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।